नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर में। तो मुर्रा का पशुधन जिसने विश्व ख्याति प्राप्त की है, हरियाणा का वो पशुधन है जिसने न केवल दूध उत्पादन क्षमता में एक कीर्तिमान रचा है, लेकिन सौंदर्य भी अगर आप इसका देखें तो इसने सभी नस्लों के छक्के छुड़ाए हैं। हरियाणा में भी अगर विशेषतः हम बात करें, कुछ एक गढ़ के, कुछ एक गांवों के, जिनमें मुर्रा का पशुधन काफ़ी लाजवाब तौर पर विकसित हुआ है, तो देख सकते हैं सिंघवा खास में ये जो मुर्रा का खास पशुधन देखने को मिल रहा है, न केवल दूध उत्पादन क्षमता में, लेकिन जो छोटा रिंग सींग में जो सुंदरता इसकी है वो काबिले तारीफ है, काफ़ी सराहनीय है। इतना भारत भ्रमण करने पर, हरियाणा भ्रमण करने पर, हमने इस जैसी झोटी शायद ही कभी किसी कंपटीशन में या किसी किसान के घर पर देखने को मिली है। तो देख सकते हैं थनों की जो सटीकता है वो काफ़ी सराहनीय है। ये देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई थनों में, लेवटी में कोई कमी नहीं है। सुंदरता आप देख सकते हैं, जो गहरा काला रंग है वो देख सकते हैं, और चेहरे मोरे की जो बनावट है, कानों की जो बनावट है, जो बिल्कुल एक पीपल के पत्ते की तरह नोक नुमा अंत में आकर के जो ख़त्म होते हैं, वो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। ये देख सकते हैं आप मासूम चेहरा, और जो असली मुर्रा जिसे कहा जाता है कि छोटा चेहरा, लंबी गर्दन और खिंचा हुआ शरीर, और देख सकते हैं बिल्कुल जेट ब्लैक कलर में जो पशुधन हमें देखने को मिल रहा है, ये गांव सिंघवा खास में। और ये देख सकते हैं कुछ ही घंटे पहले, 3-4 घंटे पहले ही इसने इस मेल काफ को जन्म दिया है। मैं अडर को फिर एक बार पास से ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं अडर की जो सटीकता है वो काफ़ी प्रभावित कर देने वाली है। मुठिया थन है, मुट्ठी में अगर आप पकड़ें तो किसी भी प्रकार की, ये देख सकते हैं झुंझलाहट का स्वभाव इसमें नहीं देखने को मिल रहा। ये देख सकते हैं आप, न केवल दूध उत्पादन क्षमता में अच्छी है, लेकिन थनों में जो सुंदरता है वो देख सकते हैं काफ़ी सराहनीय। मैं दूध के हर एक विकसित जो कूप हैं वो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं हर एक जो कूप है दूध का, चारों थनों के ऊपर पूरी तरह बराबर है, विकसित है। ये देख सकते हैं स्वभाव, देख सकते हैं कि मैं इसके लिए पूर्णतः नया हूँ, फिर भी देख सकते हैं हाथ लगाने से झिझक नहीं रही है, पैर नहीं उठा रही, लात नहीं उठा रही। तो देख सकते हैं काफ़ी शांत स्वभाव, सुंदर स्वभाव हमें इसमें देखने को मिल रहा है। और आगे की क्या कुछ जानकारी है, पुट्ठा भी मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि पशुधन अपने पुट्ठे से जाना जाता है। तो ये देख सकते हैं पुट्ठे की जो चौड़ाई है और पुट्ठे की जो लंबाई है, दोनों ही काफ़ी सराहनीय हैं। ये देख सकते हैं गहरे काले रंग में चमकती हुई ये मुर्रा का पशुधन। तो आइए मैं इन युवा पशुपालक के पास लेकर के चलता हूँ। तो युवा पशुपालक को देख सकते हैं अपने पशुधन के साथ, गाँव सिंघवा खास में अजय सर हैं, और देख सकते हैं फादर साहब को यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं माँ सिंह साहब हैं, लम्बड़दार हैं, गांव में काफ़ी सम्मानित चेहरे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुर्रा पशुधन का क्या कुछ खासियत है, पूरा विस्तार से बताएं, कब इसको लेकर के आए थे, कितने दांत थी, कितना दूध उत्पादन क्षमता आपने इसका देखा है, वो बताएं। सबसे पहले तो जीतू भाई साहब आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जो मेरे सभी भाई वीडियो देखने वाले हैं दूर दूर से, उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। ठीक, ये जीतू भाई साहब पिछले व्यास लेके आए थे, ठीक है, चार दांत कटती थी और इसने अपने कुट्टे पे 22 किलो दूध दिया था यार। 22 किलो दूध, हाँ। चार दांत में इसने दूध उत्पादन क्षमता दिखाई है, ठीक है, कांटे पर तोल के ठीक है। और जब ये 5 महीने की भी आई थी, ठीक है, उस दिन भी मैंने इसका दूध देखा तो 20-25 किलो दूध तैयार था। 4 महीने के ब्याने बच्चा देने के बाद भी दूध जो उत्पादन थी 20 किलो। तो ये देख सकते हैं ये इसकी जो अनोखा बनाती है, इसको जो कुछ खास बनाती है सिंघवा खास की ये जो पशुधन है, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा चला करके इसको दिखाएं, सकते हैं जो इसकी मतवाली चाल है जो कि आपको काफी प्रभावित करती है, वो मुर्रा का पशुधन देख सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ खासियत है उसके बारे में बताएं। इसकी खासियत यह है भाई, एक तो लंबे टाइम तक दूध देती है, ठीक है, दूसरी बात इसके बच्चे, इसकी लेंथ, इसका छोटा सींग और फेस देखो आप कितना सुंदर है। ये देख सकते हैं मासूम और लंबा और छोटा जो चेहरा है वो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। ये देख सकते हैं बिल्कुल ठंडी, ये देख सकते हैं आप,
एक बार जो इसका छोटा रिंग सींग है वो हमें काफी कम इस तरह का सींग देखने को मिलता है। उंगली डाल करके दिखाएं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो रिंग सींग है वो काफी सराहनीय है। तो इसको इस बार कौन सी बार इसने बच्चे को पैदा किया है वो बताएं, उसके बारे में जानकारी। इसने भाई साहब पिछली बार लेके आए तो ये खारकी बता रहा था मालिक, ठीक है, लेकिन हमने इसको दूसरे ब्यांत में लिया था, ठीक है, सेकंड टाइमर आपने माना थी, चार दांत मेरे घर आके इसने छठे दांत तोड़े और अब आठवें दांत ये निकाल रही है, अब आठ दांत कर रही है, हुई नहीं है, निकाल रही है। तो देख सकते हैं सिंघवा खास, तो मैं आप टीजर नहीं लगा सकते हो इसको, तो तीसरी बार थर्ड लैक्टेशन में है। तो इस बार क्या कुछ आपको उम्मीद है कि क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता दिखा सकती है? 25-26 किलो की उम्मीद है भाई साहब, 25-26 किलो दूध उत्पादन क्षमता की उम्मीद है। ये देख सकते हैं अंडर क्वालिटी काफी सटीक, ये देख सकते हैं बिल्कुल, और पीछे से देख सकते हैं किसी भी प्रकार का टूटा हुआ लटकता हुआ अंडर नहीं है। थनों की जो साइज है वो काफी सराहनीय है। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी जो हम इन युवा पशुपालक से जानना चाहेंगे, जो अपने राजीव सर हैं उसके बारे में और जो जानकारी आपने दी थी उसके बारे में। पिछली बार भाई साहब रामू भाई साहब के साथ आए थे राजीव सर के डॉक्टर, तो तीन दिन तक लगातार बार बार मतलब इसको खरीदना चाह रहे थे, इच्छा जता रहे थे, पर मैंने सेल करना नहीं चाहा, नहीं चाहा। तो उन्होंने 7 लाख रुपए का ऑफर मेरे को दिया। तो देख सकते हैं मुर्रा का पशुधन, ये वो पशुधन है, अगर इसकी इसकी नस्ल विकास के ऊपर कार्य किया जाए तो काफी अच्छा मुनाफा ये अपने किसानों को अपने पशुपालकों को दे सकता है। इसका जीता जागता सबूत आज जो हम सिंघवा खास में कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत है आप इसकी अगाड़ी देखो, 4 किलो 900 ग्राम की पिछली बार थी। तो देख सकते हैं जो दूध उत्पादन क्षमता अगले दो थनों से मात्र कर पाती है, तो वो 4 किलो 900 ग्राम, 4 किलो 900 ग्राम। तो अगर इस बार उम्मीद है लगभग 22 लीटर दूध था, तो एक समय का तकरीबन 11 किलो, तो 11 किलो में से 4 किलो 900 ग्राम, तकरीबन 5 किलो सिर्फ अगले दो थनों से दूध निकालती है। तो ये देख सकते हैं पुट्ठा चेहरा मोरा हर चीज में अव्वल दर्जे की ये जो मुर्रा का पशुधन है। कुछ नामकरण भी आपने इसका किया है क्या? नहीं अभी तक नामकरण अभी तक नहीं किया है। तो देख सकते हैं नसे देखो आप, एक चीज और मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, जो पूरी छनी हुई जो इसकी चमड़ी है उसमें से हर एक जो नस है वो आप इसमें साफ देख सकते हैं। तो हर एक बिंदु के ऊपर अति उत्तम जो ये मुर्रा का पशुधन है, सुपर क्वालिटी टॉप क्वालिटी जो मुर्रा का पशुधन है वो गांव सिंघवा खास में देखने को मिला। पिछले ब्यांत में जो राजीव सर हैं आज भारत में जाने माने चेहरे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी चैंपियन पशु थे, शानदार पशुधन थे, उनको परचेज करके और गांव उनका येरावली जो कि डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आता है, वहां पर राजीव जो सरपंच हैं उन्होंने पिछली बार इसको 7 लाख रुपये का ऑफर देकर के खरीदने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। लेकिन ये देख सकते हैं युवा पशुपालक हैं जिन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। इस बार भी वो डिलीवरी के इंतजार में है, इस बार भी डिलीवरी के इंतजार में ही हैं कि क्या कुछ डिलीवरी करके क्या कुछ पोजीशन इसकी रहेगी, पोजीशन इन द सेंस जो अर्डर की जो पोजीशन है, क्योंकि दूसरे ब्यांत में अगर 22 लीटर दूध उत्पादन क्षमता देखें तो तीसरे ब्यांत में और भी दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने की इससे उम्मीद लगाई जा सकती है। तो सर मैं फिर एक बार पुनः आपसे वही सवाल दोहराना चाहूंगा, क्या इसको आप सेल के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं? वैसे तो भाई साहब ये हमारे दिल में लगी हुई है, हाँ। लेकिन फिर भी कोई अच्छा बायर आएगा और अच्छी जगह जाएगी तो सोच सकते हैं, तो देख सकते हैं, हाँ ये नहीं तो उपलब्ध करा सकते हैं, अन्यथा तो यही रहेगी। तो जो कोई भी अगर सीरियस बायर है इसको सीरियसली जो इसकी सुंदरता है जो इसकी काबिलियत है उसके हिसाब से अगर दाम दे करके और फिर परचेज करना चाहें तो 7 लाख का ऑफर जरूर इन्होंने ठुकराया है। तो सीरियस बायर अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो किन नंबरों पे आपसे संपर्क कर सकता है? 9494167545400। तो ये संपर्क सूत्र इन युवा पशुपालक ने गाँव सिंघवा खास जो की डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंतर्गत आता है, वहां पर ये जो शानदार मुर्रा का पशुधन है काबिले तारीफ देख सकते हैं, सुपर क्वालिटी 5-स्टार एनिमल मैं इसको जरूर कहूंगा। जिस किसी के भी पास जाएगी उसको अंतर मन से खुशी होगी कि क्या कुछ शानदार पशुधन उन्होंने खरीदा है। लागत जरूर लगती है लेकिन नस्ल विकास अगर आप करना चाहते हैं और एक से एक अच्छा अगर पशुधन आप तैयार करना चाहते हैं, ब्रीडिंग में अगर आपका काफी रुझान है,
तो आप इस तरह का पशुधन खरीदिए। छोटा किसान जिसको दूध उत्पादन लेना है उनके लिए इस तरह का पशुधन शायद नहीं है। ये देख सकते हैं जो रोब इसका है, जो चेहरा मोरा है, काफी शान। ये देख सकते हैं अंदर जो इसकी रखरखाव की जो व्यवस्था की है वो काफी सराहनीय है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं उभरी हुई एक एक नस को आप गिन सकते हैं। पतली जो चमड़ी होती है जो कि दूध उत्पादन क्षमता को दिखाती है वो इसमें हमें बखूबी देखने को मिल रही है। न केवल अच्छा भैंस वंश लेकिन जो तहे दिल से एक जो गोवंश का इन्होंने जो सेवा की है वो काफ़ी सराहनीय है। ये देख सकते हैं कि बुजुर्ग अवस्था में है, अपने जीवन के अंतिम क्षणों की ओर अग्रसर है ये गोधन, लेकिन देख सकते हैं जो इन्होंने जो एक सम्मान इस गाय को दिया है, इस गोधन को दिया है, ये काफ़ी सराहनीय है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बुजुर्ग अवस्था में है, एक बार फेस आने दें गाय का। ये देख सकते हैं बुजुर्ग अवस्था में गाय है, तो कितने साल से आप इसको बच्चा नहीं पैदा करवा रहे हैं? छह सात साल से भाई। और कितने साल की इसकी आयु हो चुकी है? आयु जब से हम देख रहे हैं तब से, जैसे जितनी मेरी है लगभग उतनी। आपकी क्या कुछ उम्र हो चुकी है? मेरी 33 साल। देख सकते हैं 27 इसकी भी हो चुकी है, तो 27-28 साल उम्र हमारी जो देसी जो नस्लें हैं उनकी भी है। 18 बार बच्चा दे चुकी है। 18 बार बच्चा जनने के बाद अब आप इसको ज्यादा 6 साल से खाली घर पे रख रहे हैं, घर पे ही रख रहे हैं। जब तक ये जिएगी यहीं रहेगी, तो अंतिम क्षण तक जब तक ये अपना शरीर पूरा करेगी यहीं पर इसी खुट्टे पर इसी आंगन में इसकी सेवा करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो भाव हमें गोधन के प्रति युवाओं का इस गांव सिंघवा खास में इस परिवार का जो देखने को मिला ये काफी सराहनीय है।